हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अक्षय कुमार जो ना सिर्फ कॉमेडी फिल्मों के जरिए लोगों को एंटरटेन करते हैं, बल्कि सोशल इश्यूज से जुड़ी फिल्मों के जरिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। वहीं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं अक्षय की उन फिल्मों के बारे में जो कभी भी रिलीज नहीं हुई। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है परिणाम फिल्म। 1993 में अक्षय ने दिव्या भारती के साथ एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था परिणाम। लेकिन इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद दिव्या भारती का निधन हो गया था, जिस वजह से ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। नंबर टू, जिगरबाज। 1997 में अक्षय, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोराला, ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही थी जिसका नाम था जिगरबाज। लेकिन ये फिल्म भी बंद हो गई थी और इसके पीछे का रीजन आज तक सामने नहीं आया। नंबर थ्री, पूरब की लैला, पश्चिम का छैला। 1997 में ही अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और नम्रिता शिरोडकर की फिल्म पूरब की लैला पश्चिम का छैला की पूरी शूटिंग हो गई थी, लेकिन ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हुई। कहा जाता है कि कुछ साल बाद अक्षय ने जब अपनी बंद हुई फिल्मों को खत्म करना चाहा तो इस फिल्म की एक्ट्रेस नम्रिता ने शादी कर ली थी और बॉलीवुड से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कर लिया था। नंबर फोर, मुलाकात। 1991 में एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था मुलाकात। ये फिल्म मुकेश भट्ट के डायरेक्शन में बनने वाली थी, जिसमें अक्षय के अलावा रानी मुखर्जी, चंद्रचूड़ सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे, लेकिन ये फिल्म कुछ दिन की शूटिंग करने के बाद बंद हो गई थी। नंबर फाइव, खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी। 2001 में सुपरहिट खिलाड़ी सीरीज की एक और फिल्म बनने जा रही थी जिसका नाम रखा गया था खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी, लेकिन ये फिल्म भी कभी नहीं बनी। नंबर सिक्स, रागी। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार को एक और फिल्म ऑफर हुई थी जो कि देवानंद की फिल्म गाइड का रीमेक बताई जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ऋतुपूर्णा घोष इस फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो देवानंद ने प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म का रीमेक बनाने की परमिशन ही नहीं दी थी। इन फिल्मों के अलावा सामना, आसमान, चांद भाई भी इस लिस्ट में शामिल है। वैसे बात करें अक्षय की अपकमिंग फिल्मों की तो आपको बता दें, इस साल उन्होंने जहां केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों से लोगों को दीवाना किया, वहीं जल्द ही वो गुड न्यूज के जरिए धमाल करने वाले हैं। वैसे गाइस, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।